बहुत बढ़िया सर्विस है, क्योंकि जो पैर साफ कर लेते हैं यात्री जो आते हैं, अपने श्रद्धालु जो आते हैं वो अपना पैर धो करके फिर अंदर जाते हैं। पहले आपने कभी ये कहीं और कहीं देखा? नहीं, पहले नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे सर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरती है यहाँ, पीर पैगंबर और देवी देवताओं के बड़े स्थान हैं, और यहाँ पर जो हमारा एक सूफियाना कल्चर है, ये पीर सभी उन्हीं चीज़ को प्रमोट करते हैं। जम्मू कश्मीर में भाईचारा शांति बने रहे, इस उर्स के मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। एक गुलदस्ता जो जम्मू कश्मीर में शुरू से ही कायम है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई भी दिन त्यौहार होता है तो उसको हम अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी जो रिवायत है उसके अनुसार मनाएं, तो वो अपने आप में उसकी एक खूबसूरती होती है। मैं सभी जो हमारे कुंजवानी में कुंज पीर के यहाँ पर लोग आते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हम वहाँ पर बाबा बुड्ढन और ईशा की वहाँ पर भी गए थे, और अच्छा लगा सभी के साथ मिलजुल करके बैठ करके त्यौहार मनाने में, अपना ही एक महत्व है। तो मैं एक बार फिर से ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ऐसे मुबारक मौका पर हमें बुलाते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, जब से जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तब से आप चेंजेस और बाकी जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो हमारा बोर्ड है, खास करके जो मैम है, चेयरपर्सन है, उनका फोकस है कि हमारी जो श्राइन्स हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ, बहुत ही शफाफ तरीके से रहें। आपने जैसे देखा कि लास्ट वीक हमारा उर्स था सतवारी में, एक बहुत ही बड़ा, जहाँ 20,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें यही डायरेक्शन होती है कि जहाँ पे भी श्राइन्स हैं, हमारे सूफी सैंट्स हैं, उन सब की जो प्लेसेस हैं उनको साफ रखना है, मतलब एक सैनिटेशन का एक बड़ा फोकस है, और उनकी अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का बहुत, उस जब से बोर्ड बना है तब से फोकस है उन चीज़ों पे। जब से ये जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तब से कुछ चीज़ें नई हो रही है। इस बोर्ड का एक पर्पस है, हमने लगभग 3 या 4 के आसपास वक्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड की है। हर मीटिंग में मेंबर्स का और खास करके चेयरपर्सन का यही फोकस रहा है कि हम गरीब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, विडोज है या बाकी चीज़ें, उनकी पेंशन, उनकी मैरिज असिस्टेंस या कोई बीमार है, इन सब चीज़ों पे वक्फ पहले से काम कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।